हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए आपके लिए फिर से नया फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि है वन प्लस का नोट सी थ्री का 5G का अनबॉक्सिंग वीडियो। ये फर्स्ट वीडियो है इसका अनबॉक्सिंग वीडियो का। तो 27,000 के रेंज में आपको ये फ़ोन आया हुआ, तो ये अपने प्राइस रेंज में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं और बॉक्स कंटेंट क्या क्या है दोस्तों, और कलर लुक एंड डिजाइन क्या है दोस्तों, ये सब आपको हम बताएंगे। और आप अपने लिए 25 से 30,000 तक का फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए है या नहीं, वो सब चीज़ हम बताते हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो का। तो ये रहा दोस्तों, हमारे हाथ में आ चुका है वन प्लस नोट का। आपको यहाँ ये बॉक्स पैकिंग आपको दिया हुआ है, यहाँ पर वन प्लस का लोगो है और पीछे में सिर्फ वेरिएंट लिखा हुआ है कि इसमें 8GB में 128GB इंटरनल आता है। वैसे इसमें दो वेरिएंट आते हैं दोस्तों, 12GB 256, जिसका प्राइस है इसका 29,000 में, और ये है 27,000 में 8GB में 128GB इंटरनल। कलर यहाँ लिखा हुआ दोस्तों ग्रे सिमर। तो जल्दी से इसको बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट कंटेंट जो हमारा होने वाला है दोस्तों, ये है वन प्लस का सिलिकॉन बैक कवर, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी सॉफ्ट है और ये फ़ोन के कलर से मैच करने वाला है, जो कि काफ़ी आपको अच्छा लुक एंड फील करेगा और बैक को टूटने से, गिरने उड़ने से, टूटने से बचाएगा और स्क्रैच से बचाएगा दोस्तों। और ये रहा हमारा थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशंस, ये है आपका सिम इंजेक्टर टूल, थोड़ा देर के इसको साइड में रखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में फ़ोन, इसको भी साइड में रखते हैं थोड़ा देर के लिए और बॉक्स दिखाते हैं इसमें क्या क्या है दोस्तों। जैसे कि इसमें बॉक्स में आपको चार्जर मिल जाता है, जो कि 80 वाट का सुपर बुक चार्जर मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्ज करने में आपको ये सहायता करेगा। और ये टाइप ए टू टाइप सी आपको इसमें केबल मिल जाता है, लगभग 1 मीटर का होने वाला दोस्तों। तो बॉक्स में इतना ही। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे फाइनली फ़ोन की तरफ। तो इस प्रकार का कुछ लुक एंड डिज़ाइन मिल जाता है दोस्तों। ये लगभग नोट सी थ्री लाइट और नोट वन प्लस नोट सी ई थ्री और वन प्लस नोट थ्री, दो तीनों का लगभग सेम लुक डिज़ाइन है, बस फ्लैश लाइट का थोड़ा सा अंतर हो जाता है दोस्तों। ट्रिपल का कैमरा का स्लॉट मिल जाता है जैसे में इसमें आपको दिया हुआ है, और साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है दोस्तों, वॉल्यूम अप एंड डाउन। ऊपर के साइड में आपका स्पीकर ग्रिल है और आई एल ब्लास्टर भी दिया हुआ है। नॉर्मली आपको कोई ए सी वगैरह, आप कोई आई आर रिमोट से आप यूज़ कर सकते हैं, ये दिया हुआ है नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम के साथ। नीचे के साइड में दोस्तों यहाँ पे सिम इंजेक्टर मिल जाता है दोस्तों, यानी कि डेडिकेटेड स्लॉट के साथ है, यानी कि दो सिम लगाई तो फिर मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा आपको दोस्तों। इसमें प्लस इसमें स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, और बिना किसी देरी का फ़ोन को रिबूट भी कर देते हैं दोस्तों, जैसे कि देखते हैं कितना देर में यह ऑन हो जाता है। तो ऑन होने के दौरान हम आपको इसका लुक एंड डिज़ाइन फिर से दिखा दे दोस्तों। इसका कलर का क्वालिटी कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें ग्लास मटेरियल नहीं मिलता दोस्तों, ये प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है, जिससे इन हैंड फील आपको अच्छा रहेगा और इसमें दाग वगैरह भी नहीं लगेगा और स्क्रैच भी नहीं लगेगा, ये स्क्रैचलेस आपको मिल जाता है दोस्तों। तो फ़ोन हमारा जल्दी से ऑन हो रहा है दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों फ़ोन ऑन हो रहा है, बूटिंग टाइम लगभग 1 मिनट आपको दोस्तों ये ले लेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये रहा हमारा दोस्तों वन प्लस नोट सी ई थ्री का फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि आपको हम इसमें डार्क मोड हटा देते हैं और डिस्प्ले का ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, ब्राइट एंड क्लियर रहेगा दोस्तों। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.79 इंच का फुल एच डी प्लस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 120Hz रिफ्रेशर के साथ, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ है, कोई भी लैगिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है, जो कि मल्टीटास्किंग के दौरान आपको ये काम में देगा, काफ़ी अच्छा व्यू एक्सपीरियंस मिलने पड़ेगा। प्लस इसमें बेजल की बात करें तो काफ़ी पतले बेजल्स आपको मिल जाते हैं चारों साइड में, जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों। जनरली इस प्राइस रेंज में किसी ब्रांड के पास इतने पतले बेजल्स नहीं मिलते हैं। पंच होल का डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि आपको व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करें दोस्तों हार्डवेयर पार्ट्स की, तो कंपनी ने इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो अभी तक का सबसे लेटेस्ट है, स्नैपड्रैगन का 7A82 का 5G चिपसेट आपको हो जाता है, लगभग आपको 12 से 13 बैंड सपोर्ट कर जाता है। प्लस इसमें 8GB रैम है, प्लस इसमें 8GB रैम आप बढ़ा सकते हैं, तो टोटल 8+8 16GB रैम हो जाता है, 128GB इंटरनल है, प्लस इसमें 12/256 भी वेरिएंट भी आता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 के साथ आया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। प्लस इसमें आपको कैमरा का कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर लिखे हुए, जैसे पैक 50MP का मेन कैमरा है, वाइड एंगल कैप 8MP का है, और डेप्थ सेंसिंग आपका 2MP का, फ्रंट 16MP का। तो जल्दी से दोस्तों कैमरा टेस्टिंग भी कर लेते हैं। इसका पोर्ट्रेट शॉट भी हम लोग ले लेते हैं दोस्तों।
इसके पोर्ट्रेट शॉट में बहुत सारे इसमें वेरिएंट मिल जाता है दोस्तों, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींच सकते हैं। जैसा कि आपको हम इसका पिक्चर क्वालिटी दिखा देते हैं, तो कैमरा का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बैकग्राउंड को ब्लर अच्छे से तरीके से कर रहा है एच डी डिटेक्शन के साथ, और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बैकग्राउंड को आप अपने हिसाब से रीएडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर फोकस वगैरह चेंज कर सकते हैं। और मोड्स की बात करें तो इसमें बहुत ढेर सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे नाइट मोड है, फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा में नाइट मोड वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फोटो प्लस वीडियो में आपको यहाँ पे बैक कैमरा में 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विथ 30 FPS तक। 1080 में 60 का सपोर्ट मिलता है, 4K में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे OIS का कैमरा भी आपको मिल जाता है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय वीडियो काफ़ी हद तक स्टेबल रहने वाला है दोस्तों बैक कैमरा में। और फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, तो इसे यहाँ पे आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है। फ्रंट कैमरा में क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में मैक्स टू मैक्स 1080 में 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्लस EIS का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है दोस्तों, प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग में ब्लर भी कर सकते हैं, जो कि आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा में आपको दिख रहा होगा दोस्तों। बैक कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें खास फीचर दिया हुआ है पोर्ट्रेट फ्लेयर वीडियो, जो कि बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से ब्लर करता है और काफ़ी फ्लेयरी आपको इसमें फील कराएगा। बैक कैमरा का भी वीडियो आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पास आइए ना, यहाँ पे आप वीडियो में जाकर के बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट में जाइएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से ब्लर कर रहा है और वीडियो में देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे से ब्लर कर रहा है दोस्तों, जिसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम बैकग्राउंड में जो लाइट है वो काफ़ी अच्छे से फ्लेयर से रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आपको मोर ऑप्शन में जाने के बाद डुअल कैमरा का फीचर्स भी मिल जाता है, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम फ्रंट एंड बैक कैमरा का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं, प्लस बैक कैमरा में जूमिंग का भी आपको कैपेसिटी मिल जाता है डुअल मोड में, माइक्रो शॉट मिल जाता है और एक्स्ट्रा HD मोड वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें इसमें बैटरी बैकअप की, तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 80 W का सुपर हुक चार्जर के साथ, तो 27,000 के प्राइस में आपको काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, क्योंकि वन प्लस का फ़ोन है तो एक ब्रांड का तो फ़ोन हो ही गया। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि इसमें 6.79 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेशर के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, इसमें सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्नैपड्रैगन का 782G का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जो कि मल्टीटास्किंग में नॉर्मल गेमिंग खेल में काफ़ी अच्छा आपको रहेगा। बैटरी भी काफ़ी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड मिल जाता है, तो 27,000 के रेंज में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आपको ये फ़ोन मिल जाता है। अगर ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।